आखिर 22 साल बाद कैसी दिखती है अक्षा और अबीरा। वेल, टीवी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस सीरियल में 22 साल का लीप आ चुका है, यानी कि सीरियल के चौथे जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अक्षरा कैसी दिखती है और साथ ही उसकी बेटी अबीरा कैसी दिखती है, और वो कहाँ दोनों माँ बेटी रह रही हैं, क्या अभी भी बिरला फैमिली से उनका कनेक्शन है या उनका कनेक्शन टूट चुका है। तो चलिए देखते हैं इस सीरियल के लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने 22 साल पहले देखा था कि किस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु अबीर की खुशी के लिए शादी करने वाले रहते हैं, और जैसे ही अभिमन्यु जाता है अबीर को स्कूल से लाने, और इधर अक्षरा मंदिर में उन दोनों का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में हादसा हो जाता है और उस हादसे में अभिमन्यु और अबीर की जान चली जाती है। जैसे ही अक्षरा को पता चलता है ये बात, वो जाती है वहां और फिर वो लिस्ट देखती है, और लिस्ट देखने के बाद उसे पता चलता है कि अब अभिमन्यु और अबीर इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद वो टूट के बिखर जाती है। उसे अब ये होश नहीं रहता कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो बिरला फैमिली से दूर हो चुकी है और उनसे वो अलग रह रही थी अभिमन्यु और अबीरा के साथ। लेकिन अब अभिमन्यु और अबीरा इस दुनिया में नहीं है, इसे सोच के अक्षरा बेहद परेशान हो जाती है और उसके पेट में अभिनव का बच्चा रहता है। वो ये सोच के और परेशान होती है कि आखिर वो कैसे अकेले अपने होने वाले बच्चे की परवरिश करेगी और किस तरह से वो सारी चीजों को मैनेज करेगी। लेकिन वहीं बिरला फैमिली से अक्षरा के पास कोई नहीं आता है और दुख के घड़ी में अक्षरा अकेली रहती है। लेकिन इस सीरियल के चौथे जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है और इस सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक भी सामने आ चुका है। लेटेस्ट ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अबीरा है, यानी कि अक्षरा की जो पेट में बच्ची पल रही थी वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि अबीरा रहती है, और अबीरा अब बड़ी हो चुकी है और बेहद चुलबुले अंदाज में है, बिल्कुल ही अक्षरा की तरह। लेकिन अक्षरा है कि वो मसूरी में अपनी फैमिली से दूर एक नई लाइफ की शुरुआत कर चुकी है, और वो भी अपनी बेटी के साथ। वहाँ एक रिजॉर्ट वो चलाती है और माँ बेटी बेहद खुश रहते हैं वहाँ से वो, जबकि अबीरा है कि वो अपने घर वालों को यानी कि ननिहाल को ददिहाल को याद भी करती है, लेकिन अक्षरा जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और अपनी बेटी के साथ बेहद खुश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिरला फैमिली को अक्षरा अभी भी याद आती है या फिर अक्षरा को बिरला फैमिली भुला चुके हैं। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे अपने फेवरेट शेयर के अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्मी बिट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।